नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमस्कार मित्रों, महादेव भोलेनाथ शिव शंकर सबका कल्याण करने वाले देवता माने जाते हैं। भगवान शिव का अर्थ ही कल्याण है, यानी कि भोलेनाथ अपने भक्तों के समस्त पीड़ाओं को हर लेते हैं। यानी कि साक्षात जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय सबसे पहले जो हालाहल विष, खतरनाक एक ताकतवर विष निकला था, जो कि हजारों परमाणु बमों की ताकत वाला एक ऐसा रासायनिक विष था जिससे कि करोड़ों अरबों लोगों की मृत्यु हो सकती थी। ऐसे समय में सभी देवता उस विष के गड्ढे से दूर हो गए, मगर अंत में भगवान शंकर ने ही सबको तारण किया, यानी कि उस हलाहल विष को उन्होंने अपने कंठ में उतार करके धारण किया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। ऐसे महादेव सबको कल्याण करने वाले सबसे बड़े देवता देवादिदेव महादेव, यानी कि देवों के देव महादेव भोलेनाथ माने जाते हैं। महादेव का पंचाक्षर मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, संजीवनी मंत्र आदि अनेक वैसे मंत्र प्रचलित हैं जिनसे कि भगवान शिव की आराधना की जा सकती है। भोलेनाथ तो मात्र जल चढ़ाने से और मात्र बिल पत्र अर्पित करने से ही खुश हो जाते हैं। उनको दूध, दही, घी, की शक्कर आदि कोई वस्तुओं की जरूरत नहीं है। मात्र एक तांबे के लोटे में ठंडा जल आप उनको अर्पित कर दीजिए, वो आप पे खुश हो जाएंगे। और महादेव का आज मैं आपको ऐसा ताकतवर और शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि सब बाधाओं को दूर कर देने वाला और स्वयं महादेव का बनाया हुआ स्वयं सिद्ध मंत्र है, जो कि बड़ा शक्तिशाली और शीघ्र तुरंत प्रभाव दिखाने देने वाला मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मात्र हमें सोमवार की जरूरत पड़ती है और सोमवार से ही इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रातःकाल भगवान शिव के मंदिर में जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में पवित्र वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं। अपने घर से ही एक तांबे के लोटे में जल भर करके, पवित्र जल भर के, उसमें सुगंधित पुष्प, गुलाब के पुष्प रख करके, और आप भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें, ओम नमः शिवाय मंत्र से अर्पित करें, और वहीं बैठ करके रुद्राक्ष की माला से, वहीं बैठ करके रुद्राक्ष की माला से ही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और अगरबत्ती और घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। तत्पश्चात आप इस मंत्र की मात्र एक माला करें, और इसकी मंत्र की एक माला करने के पश्चात में यह मंत्र जागृत हो जाता है। तत्पश्चात किसी भी आवश्यक कार्य के निकलने से पूर्व, या कोई जीवन में बाधा है, या कोई रुकावट है, या किसी प्रकार की कोई पीड़ा है, या कष्ट है, या दुख है, इस मंत्र, ये इतना ताकतवर मंत्र है कि मात्र एक बार बोलने से ही ये अपनी ताकत दिखा देता है। इसलिए इस मंत्र का एक माला का जब आपको वही शिव शिवालय में बैठ करके करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय नीलकंठाय वृषध्वजाय नमः। मंत्र दोबारा सुने, ओम नमो भगवते रुद्राय नीलकंठाय वृषध्वजाय नमः। यह मंत्र इतना ताकतवर और शक्तिशाली मंत्र है कि मात्र एक माला करने से ही यह मंत्र जागृत होता है, और किसी भी विपत्ति या संकट में पड़ने पर मानसिक रूप से मात्र एक बार इस मंत्र का अगर उच्चारण कर दिया जाए, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। साक्षात भगवान शिव की नजर दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। इसलिए बशर्ते इस बात का ध्यान रहे कि व्यक्ति में जो साधक होता है, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, भगवान शिव के अंदर उसकी आस्था होनी चाहिए। देखिए, भगवान शिव को कोई भी परिस्थिति के अंदर नित्य प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में जल भर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना जरूर चाहिए। ये हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, नियम भी है, और ये कर्तव्य भी है, ये धर्म भी है। इसलिए प्रतिदिन उस शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा भर के जल चढ़ाए बिना आप अन्न का दाना भी ग्रहण ना करें, ऐसा नियम पाल लीजिए, और उसके पश्चात में आप इस मंत्र का प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और जो व्यक्ति इस मंत्र को सवा लाख की संख्या में सिद्ध कर लेता है, या नित्य एक माला सवा महीने तक करता है, बशर्ते उसको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, तत्पश्चात स्वयं ही अपने आप ही भगवान की कृपा से उस व्यक्ति के सारे कार्य होने लग जाते हैं, सुलभ होने लग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि ये भगवान शिव का बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली मंत्र माना गया है। इसलिए अवश्य इस मंत्र का प्रयोग करके आप कोई भी प्रकार की, आपके जीवन में अगर कोई बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, उसे दूर कर सकते हैं।
हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की बड़ी से बड़ी बाधा विपदा को दूर कर देने वाला यह ताकतवर तंत्र मंत्र है और बड़ा ही शक्तिशाली शिव जी का मंत्र है, इसीलिए अवश्य ही इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।